नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों एचआरआई न्यूज पर। एक बड़ी खबर इस समय की निकल के आ रही है दोस्तों, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी है मुश्किलें, लग सकता है बड़ा झटका, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, खबर के अनुसार आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति क्या कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने, तब से इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इस पूरे मामले का संज्ञान स्वतः सुप्रीम कोर्ट लेगा, लेकिन इसी बीच एक अवमानना याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। दोस्तों, इस याचिका की सुनवाई खुद सीजीआई एनबी रमन्ना करेंगे। आपको बताते चलें, अवमानना याचिका में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने पिछले आदेश की अवहेलना की है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कोर्ट ने कहा था अगर किसी की रिटायरमेंट में 6 माह से कम का समय है तो उसे पुलिस आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई है। अवमानना याचिका में शर्मा ने दावा किया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति 3 जुलाई 2018 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं करती है। याचिका में आगे तर्क दिया है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति का नेतृत्व किया और जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम किया, इसलिए अदालत की गंभीर अवमानना दोनों प्रतिवादियों के खिलाफ है जिसे आगे बढ़ाना चाहिए। देख सकते हैं, इस पूरे मामले में प्रतिवादी बनाए गए हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही गृह मंत्रालय भी प्रतिवादी है। इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट से, लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की निकल के आ रही थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का दोस्तों